भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मन खोलिए, जय जिनेन्द्र बोलिए, अपना मन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्करा के, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी मुनि महाराज की। चलिए कल का थोड़ा रिवीजन कोई व्यवस्थित बताए। हाँ नमोस्तु, एक शंका पूछनी है। सूरज घूमता है क्या पृथ्वी घूमती है? अपने शास्त्र के अनुसार, अपने जैन भूगोल के अनुसार तो सूर्य घूमता है, तो इसका क्या, क्योंकि पंडित जी बोल रहे हैं कि नहीं पृथ्वी घूमती है। अब इसमें शंका क्या करें, ना तो हम सूर्य पे गए हैं। नहीं लेकिन अपने शास्त्र में तो लिखा है ना, जैन भूगोल में तो लिखा है ना, तो वो भी तुमको मालूम है क्या लिखा है कि सूर्य घूमता है। अब इसमें डाउट क्या करें आप बताइए ना पंडित। तो शास्त्र में, मैं तो शास्त्र की बोलूंगा ना, शास्त्र में जो लिखा वही है। मुझसे तो तुम विज्ञान की उम्मीद ही मत करो, शास्त्र की करो, उनसे विज्ञान की करो। अब कौन क्या घूमता है वो छोड़ो, अपन कब तक घूमेंगे ये ध्यान रखो कि अपने को सूर्य पृथ्वी के बीच कब तक घूमना है या मोक्ष जाना है। अपने को तो ऐसी जगह में रहना है जहाँ से कुछ नहीं घूमता है, सब स्थिर है। वह कोई जगह है तो वह मोक्ष है, वहाँ चलने का प्रयास करो। क्योंकि अब सब्जेक्ट बदल दो, शौचालय हो गए, अब सिद्धालय की बात करें। समझ आया? तो अपन उन सब चीजों में, किसने पृथ्वी बनाई, कौन चला रहा, कौन नहीं चला रहा है, क्या सूर्य क्या चांद, इससे क्या लेना देना, अपने साथ क्या घट रहा है, वो महत्वपूर्ण है। हमको भगवान ने बनाया नहीं बनाया, ईश्वर करता है नहीं करता है, करता है तो क्या दिक्कत, नहीं करता तो क्या दिक्कत, हमारे भीतर क्या हो रहा है वह हमारे सुख का दुख का कारण है, है ना? समझ आया? क्या करना, कोई भी घूमे अपने को, अपने लाइफ में क्या चेंज आएगा? पृथ्वी घूमे तो हमारी लाइफ में क्या चेंज है, और सूर्य घूमे तो क्या चेंज है? वही रात होंगे, वही दिन होंगे। जब रात हो जाए तो सो जाओ, सुबह हो जाए तो उठ जाना। कौन घूमा, क्या लेना देना अपना, क्यों नहीं पंडित, कोई भी घूमे क्या करना। चलिए हाँ बताइए कल का। बता बताओ कल का, जल्दी करो, टाइम हो जाता है। आपने कल बताया था हम क्षेत्र और काल, क्षेत्र यानी कि जहाँ जन्म हुआ हो, तीर्थंकर का, दीक्षा हुई हो, तुम्हारा नहीं, तीर्थंकर का, हाँ। जहाँ जन्म हुआ हो, दीक्षा हुई हो, आहार हुआ हो, तप हुआ हो, ज्ञान हुआ हो, निर्वाण हुआ हो, और काल जैसे जयंती मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, अष्टानिका, दीपावली, अष्टमी, चौदस, ये सब काल हैं। और फिर गर्लफ्रेंड वाली बात भी बताई थी आपने। उदाहरणों को सिद्धांत नहीं बनाना, वो उदाहरण है, उदाहरण कभी सिद्धांत नहीं होते, उदाहरण से सिद्धांतों को समझा जाता है, वो महत्वपूर्ण नहीं होते, वो पृथ्वी और सूर्य की तरह ही है।
नमोस्तु गुरुदेव। कल की जो चार मंगल है ये मंगल क्यों है? क्योंकि ये चारों रत्न त्रय के धारी है और रत्न त्रय होता है वो पाप का नाश करता है। अरे रत्न त्रय तभी आता है जब पांच पापों का त्याग किया जाए, नाश नहीं त्याग, पांच पापों का त्याग किया जाता तब रत्न त्रय आता है। तो ये सभी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब रत्न त्रय धारी हैं, इसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ मंगल है आपने बताया। और इन्हें चार निक्षेपों के द्वारा और छह अनुयोगों के द्वारा अच्छे से जाना जा सकता है। और निक्षेप के द्वारा बताई दिया और आपने बताया कि भाव से शुरू करते हैं, अगर हम समझना चाहते हैं तो भाव निक्षेप के से शुरू करके हम समझ सकते हैं। किसमें और किसी को कुछ याद आ रहा है? भगवान के काम में आई हुई वस्तु जीव या निर्जीव द्रव्य मंगल है। हाँ। माँ द्रव्य, वस्त्र द्रव्य, पर्वत द्रव्य, शिखरजी द्रव्य, गंधोदक द्रव्य, शिलासन द्रव्य, भगवान की पत्नी द्रव्य, पुत्र आहार, रत्नों की वर्षा, आहार के वर्षा, सब द्रव्य मंगल हैं। बहुत अच्छा। भगवान का आहार यह भी मंगल है। समझ में आ रहा है? यह भी मंगल है। भगवान जिस पालकी पे दीक्षा लेते हैं वह पालकी भी मंगल, यानी जिसने भगवान से थोड़ा भी कांटेक्ट किया वह सारे द्रव्य क्या हैं? मंगल है। क्लियर हो गया? अब अपन आगे चलते हैं कि किसी को पूछना है क्या कुछ? इतना चैप्टर क्लोज करें आगे चलें। अमंगल है उसमें क्या? वो मुख्य मंगल नहीं है, मुख्य थोड़ी है, लोक उत्तमा थोड़ी है, लोक में उत्तम थोड़ी है वो, ये कोई मंगल नहीं है। काय के मंगल? इनके पुरखों ने तीर्थंकर नहीं देखे, ये काय के मंगल? तीर्थंकर देखे हैं तो तुम काय के मंगल? तुम्हारा क्या कॉन्टेक्ट है भगवान से? कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ी कि ये सब मंगल हो जाएंगे, फिर अमंगल कौन होगा? जिनने साक्षात भाव जिन से संपर्क रखा हो, भाव जिन साक्षात जिनेंद्र से, इसलिए मंगल। अपन सबको साक्षात जिनेंद्र मिले क्या तो अपन काय के मंगल? हम लोग तो चलो पाप रत्नात्रय इसलिए मंगल, तुमको तो कुछ मिले ही नहीं। तीर्थंकर थोड़ी हैं हम, तो तीर्थंकर की वजह से हम मंगल हैं, अपनी वजह से थोड़ी हैं। उनके मार्ग पे चल रहा इसलिए मंगल, तुम्हारा थोड़ी है। तो श्रावक श्राविका कभी मंगल नहीं हो सकते? मतलब नहीं, हो सकते हैं। जिन जननी, तुम्हारी जननी नहीं हो सकती, घर में ही शनि चल रहा है, मंगल कहां से हो जाएगा? सास बहु में शनि चलता है, कहां से मंगल हो जाए? क्या ये कर नहीं पा रहे? ये पूछ रहे हैं कि जिस वक्त हम भगवान का कलश कर रहे हैं उस वक्त मंगल है क्या? आप नहीं है मंगल, आपका मंगल हो रहा है, आप मंगल थोड़ी हो जाओगे। आपके पास रत्नात्रय है क्या तो कहां से मंगल होगा? आप मंगल करा रहे हैं अपना, हो नहीं, कराना अलग चीज है और होना, साधु तो स्वयं मंगल है, आप उनकी भक्ति क्यों कर रहे हैं? साहु मंगलम, ताकि मेरे पापों का नाश हो। आचार्य श्री नमोस्तु, लोक में कन्या को मंगल कहा जाता है और आपने
आपने बताया कि पीली सरसों वो भी मंगल है, वो किस हिसाब से? अरे तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या कि मंगल लोकोत्तमा की बात चल रही है, साधारण मंगल, वो साधारण मंगल बात खत्म, सामान्य मंगल सबवे से, उससे क्या लेना देना। चलिए नमोस्तु महाराज। हाँ बोलिए। वो सभी का पाप नष्ट कर देते हैं, वो रत्नत्रय के धारी हैं, इसीलिए वो मंगल हैं। 36, 25, 8, 20 जिनमें ये गुण हैं वही हमारे गुरु हैं। प्रश्न कुछ पूछना है क्या? ये तो क्लियर हो गया कौन मंगल, कोई क्वेश्चन है क्या, शंका? चले आगे चले। अब पुण्य जो होता है वो पाप, अब थोड़ा सा पुण्य पाप पे चर्चा कर। मंगल पाप का नाश करता है, पुण्य का नहीं, है ना? किसका नाश करता है? पुण्य का नाश नहीं करता, पुण्य का नाश कराना भी नहीं कभी किसी से, है ना? पुण्य तो उपार्जित किया जाता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये दर्शन। अब दो चीज हैं, एक होते हैं भाव जिन और एक होते हैं स्थापना जिन, है ना? महत्वपूर्ण कौन से हैं, भाव जिन या स्थापना जिन? कौन से महत्वपूर्ण हैं? भाव ये वाले मत बोलो छाती पे हाथ रख, भाव यानी साक्षात, साक्षात जिन महत्वपूर्ण हैं या स्थापना जिन महत्वपूर्ण? स्थापना तो क्यों और भाव तो क्यों? कौन सा महत्वपूर्ण है? आप दूसरा नंबर किसको दोगे, भाव को या स्थापना को? स्थापना का दूसरा नंबर है ना, और सूत्र में तो भाव को चौथा नंबर दिया, तुम तो दूसरा देने को तैयार नहीं। सूत्र में क्या लिखा? नाम स्थापना द्रभावस्तस्तन्यासः, पहले भाव क्यों नहीं लिया? आप तो एक नंबर भाव को दे रहे हैं ना, साक्षात को, आगम तो नहीं दे रहा, आगम किसको दे रहा? स्थापना को दूसरे नंबर पे लिखा, नाम स्थापना द्रव्य भाव, तत्वा सूत्र है, पढ़ा है, सुना तो होगा ना। वो छह अनुयोग में भी पहले किसका नाम लिया? नाम स्थापना द्रव्य भाव क्षेत्रकाल भाव को लास्ट में लिया, और तुम तो भाव को पहला नंबर दे रहे। तो फिर उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र में भाव को पहला नंबर क्यों नहीं दिया? हमने बोला था ना कि समझने के लिए उल्टा समझो, लेकिन क्रम तो यही है, है ना? शास्त्रों में क्रम क्या है? नाम स्थापना द्रव्य भाव स्तन्यासः, है ना सूत्र? तो आप स्थापना को सेकंड कैसे कर सकते? समझो इस बात। स्थापना के लिए लिखा है इन मूर्तियों के लिए कि इनके दर्शन से क्या होता है? दर्शनम देव देवस्य, ये किसके लिए बोला है? भाव जिनके लिए बोला या स्थापना जिनके लिए? रोज किसके दर्शन करोगे? तीर्थंकर कब तक रहेंगे? 72 वर्ष की आयु महावीर की, उसके बाद वाले श्रावक क्या करेंगे, किसके दर्शन करेंगे? तो भाव जिन तो 72 साल, और तुम 72 साल में नहीं तरे, उसके बाद कैसे तरोगे? तो तारने वाले वो हैं या ये हैं?
तो एक नंबर आना चाहिए। महावीर स्वामी की आयु कितनी थी? क्या उनके समय में 100 साल वाला कोई नहीं होगा? तो महावीर स्वामी तो 72 साल में निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो आगे की 26-27 साल का क्या होगा? उनको तो भाव जिन नहीं मिलेंगे, कौन से जिन मिलेंगे? तो महत्वपूर्ण कौन से हो गए? भाव जिनकी आयु तो कम है और स्थापना जिनकी आयु, अरे कई कल्प काल बीत जाएं तो भी स्थापना जिन समाप्त, अकृत्यम भाव जिन होते हैं या कृत्यम स्थापना जिन होते हैं? अकृत्यम किसको बोलते हैं? जे नंदीश्वर पंचमेरु ये कब से हैं? अनादि से। कब तक रहेंगे? हमेशा। भाव जिन ऐसे हैं क्या अकृत्रिम? ये 24 ही चेंज हो जाएगी। भाव जिन चौथे काल में हैं, वो भी चौथे काल के संपूर्ण काल में नहीं है, सबकी अपनी अपनी आयु रही और वो निर्वाण को प्राप्त होते रहे, लेकिन स्थापना जिनकी कोई आयु नहीं होती है वह सदा काल मौजूद रहा करते हैं। नहीं यार, तो महत्वपूर्ण कौन हुए? जो भाव जिन बनकर पैदा हुए उनने अपने अतीत में स्थापना जिन पूजे होंगे। नहीं आ रहा समझ में? ऋषभ देव भगवान तीसरे काल के अंत में पैदा हुए, लेकिन वो ऋषभ देव के पहले 10 भाव तक उन्होंने स्थापना जिन पूजे होंगे या भाव जिन पूजे होंगे? स्थापना जिन ने उन्हें भाव जिन बना दिया, इसलिए महत्वपूर्ण कौन सी होंगी? प्रतिमाएं। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। महावीर स्वामी एक ही भाव में महावीर स्वामी बन गए या पिछले से बनते आए? तो पिछले पिछले जब बने हैं तो उनको स्थापना जिन मिले थे कि साक्षात तीर्थंकर मिले थे? तो उनको महावीर किसने बनाया, साक्षात तीर्थंकर ने या स्थापना? तो तुम भी मोक्ष काय से जाओगे, साक्षात से या इनसे? आपको सम्यक दर्शन किससे होगा? स्थापना से। भाव जिन तो मिलना ही नहीं है, तो क्या पंचम काल के अंत तक मिथ्या दृष्टि बने रहोगे? तुम सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे, तीर्थंकर कहां से लाओगे? तो क्या पंचम काल में लोग मोक्ष की तैयारी नहीं करेंगे कि जब तीर्थंकर होंगे तभी करेंगे? और तीर्थंकर तो 72 वर्ष की आयु लेके आए महावीर स्वामी, तो उससे पहले क्या मोक्ष नहीं था? क्या उसके बाद मोक्ष नहीं था? तो जम्बू स्वामी आदि मोक्ष गए महावीर स्वामी के बाद, तो भाव जिनके शरण में गए या स्थापना जिनकी शरण से गए? तो महत्वपूर्ण कौन से हो गए? कौन होंगे महत्वपूर्ण? ऋषभदेव से पहले जब, एक बात बताओ, भगवान के समोसरण में स्थापना जिन होते हैं या नहीं? बोलो, भगवान का समोसरण लगा, वो साक्षात बैठे हैं, तो वहां मूर्तियां होती हैं या नहीं? चैत्य भूमि, 8 भूमियां है ना, चैत्य भूमि में क्या होती हैं? अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं। जब साक्षात अंदर अरिहंत बैठे हैं तो मूर्ति क्यों रखी? क्या जरूरत थी समोसरण में मूर्ति की? 8 भूमियां होती ना, क्यों रे पंच कल्याण कराता है, ध्वज भूमि, खातिका भूमि, चैत्य भूमि, उपवन भूमि, बापिका भूमि होती ना, तो उसमें चैत्य भूमि है कि नहीं? 8 भूमियां होती हैं। चैत्य भूमि में क्या होता रहता है? दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट, निरंतर अभिषेक पूजन चलता है समोसरण में भी। किसका? स्थापना जिनका। वो स्थापना मूर्ति कौन लाता है? कुबेर समोसरण की रचना करता है। तो उन भूमियों में जो चैत्य हैं, भगवान की वाणी तो 4 बार खिरेगी,
बाकी समय लोग क्या करेंगे? हम यहाँ से जाएंगे तो क्या करते हो? खाना पीना। समोसण में भूख प्यास नहीं लगती, सब अभिषेक पूजा करते हैं समोसण से उठ के। वहां रात भी नहीं होती, दिन भी नहीं होता, ये महिमा है। तो भगवान ने बोल दिया, छह घड़ी भाषा खिरी, उसके बाद श्रावक क्या करेंगे? चलो भैया शाम के भोजन का समय, तो वहां तो रात होती नहीं, काहे के भोजन का समय? और जितने समोसण में बैठे हैं उनको भूख तो लगती नहीं, प्यास भी नहीं लगती, तो घर क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे घर? तो उस खाली टाइम पे वो क्या करते हैं? चैत्य भूमि में क्या करते हैं जाके? सभा तो आठवीं भूमि में लगती है, लेकिन जब भगवान मौन हो जाते हैं, 24 घंटे थोड़ी बोलते हैं, उस समय वो श्रावक श्राविका देवी देवता क्या करते हैं? निरंतर भगवान की पूजन अभिषेक। किसकी? चैत्य स्थापना जिनकी। महत्वपूर्ण कौन हो गए? स्थापना जिन हुए कि नहीं? यदि मूर्ति नहीं होती तो तुमको सम्यक दर्शन कैसे होता? और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग रत्नात्रय कैसे आएगा? इसलिए मुनि को भी लिखा है, आचार्य को भी लिखा है कि तू जिन वंदना कर। तुम्हारे लिए भी सटावश्यक, हमारे लिए भी। हमारे में क्या लिखा? हमारे में समता समारे थुति निहारे वंदना जिन देव की। ये जिन देव हैं इनकी मुनि प्रतिपल वंदना करे। और आपके लिए क्या लिखा है? देव पूजा गुरु उपास्ति। आप में भी देव पूजा, हमारे लिए भी देव पूजा लिखा है कि नहीं? मुनि भी इनकी वंदना करेंगे और श्रावक भी इनकी वंदना करेंगे। और जो मुनि श्रावक इन मूर्तियों की वंदना नहीं करते उनको कभी मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं आ रहा? महत्वपूर्ण कौन है? स्थापना निश्चय। समझो छोटे छोटे विषय हैं। स्थापना निक्षेप में लिखा है पाप नाशनम। ये क्या करते हैं? पापों का कौन करती है? मूर्ति। एक बात बताओ, राधा के पास साक्षात भाव कृष्ण थे, है ना? अब राधा आधा है नहीं नहीं है ये सब इस लफड़े मत जाना, कहानी है, होए नहीं है, कौन है कौन थी, ये तुम घर की पंचायत में ज्यादा लग जाते हो, है कि कुमारी थी कि बीबी थी, इन लफड़ों में नहीं जाना। गोपी थी कि प्रेमिका थी, ये फालतू के पीछे जो मैं नहीं जाना। यदि राधा की कहानी है तो राधा के पास भाव कृष्ण थे या स्थापना कृष्ण थे? और मीरा के पास कौन भक्ति में फेमस है? किसका प्रेम निर्मल था? क्यों? साक्षात राधा का नहीं था। भाव थी, सामने थे कृष्ण, तो भी उनको भक्ति का दर्जा नहीं दिया। भक्त श्रोमणी कौन कहलाई? मीरा बाई। उसके पास कृष्ण नहीं थे, मूर्ति थी। हम भी शायद, ध्यान रखना कि श्रेणिक से भी ज्यादा पुण्यात्मा है कि हमें भाव जिन भले ना मिले लेकिन स्थापना जिन हमको प्राप्त हुए। इनके साथ कैसा व्यवहार करना है? भाव जिन जैसा व्यवहार करना। मूर्ति आती तो खड़े हो जाते ना, क्योंकि भाव जिन जब आते थे दरबार में तो सारे असंख्यात देवी देवता सम्मान में खड़े हो जाते। वही सम्मान इनको देना है, उस सम्मान में इतनी सी भी कमी नहीं रखने का। समझ में आ रहा? वही सम्मान देना है जो भाव जिनका है। और वही सम्मान यदि आपने स्थापना जिनको दे दिया तो आपको मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। एक बात पूछे, शास्त्रों में पढ़ा है कुछ कर्म ऐसे होते हैं, थोड़ा कठिन होगा, जिनका फल दिए बिना नाश नहीं होता, उनको बोलते निधत्त निकाचित कर्म। कौन से कर्म बोलते? कुछ कर्म ऐसे जो बिना फल दिए भी चले जाते हैं। किससे? भगवान की भक्ति से, है ना? मान लो आपको इतना फल मिलना है और आप पुण्य कमाओ तो इतना बन के वो चला जाएगा, आपको एहसास नहीं कराएगा। नहीं आ रहा?
कोई जरूरी तुम कह सकते हो कि मेरे अभी पाप का उदय नहीं आ रहा, आ रहा है, लेकिन अभी आप धार्मिक माहौल में हैं तो पाप कैसा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, समझ में आ रहा, और जा रहा है, तुम्हें कष्ट का अनुभव नहीं करा रहा है, और यदि यहाँ नहीं होते तो हो सकता कर्म का उदय आता, अस्पताल में पड़े घट, है ना, समझ आ रहा, कर्मों की विचित्र लीला है कि जब तक आप तीर्थंकर के ओरा में रहोगे कर्म आपको ज्यादा नहीं सताएगा, जब तक मंदिर में रहोगे ज्यादा कर्म नहीं सताएगा। देवसाज क्यों अच्छा लगता है, मंदिर जो नहीं जाते वो छोड़ो, जो जाते हैं जो नहीं जाते वो भी चले जाए ना, तो एक पल को उन्हें भी सुख लगता है, नास्तिक भी मंदिर चला जाए तो उसे फील अच्छा, फीलिंग अच्छी आती है गुरुओं के पास बैठने से, है ना, क्यों आ रही, उनके पुण्य परमाणु इतने हैं जो आसपास के एरिया को सुखी कर देते हैं, समझ में आ रहा, शांति मिलती ना मंदिर भगवान के दर्शन से, ऐसे ऐसे सिर हिला रहे जैसे बिल्कुल बहुत ज्यादा कोमा की स्थिति में हो, हाँ या ना तो बोलो, कल सब धूप खेने गए तो एक अलग अनुभूति हुई कि नहीं, ये उनका क्यों भेजा, सब जगह जाओ, हर जगह तुम लोग तो बस नाच गाना घूमना फोटो खिंचाने इसमें लगे रहे, अनुभूति की क्या, कि लाल प्रतिमा के सामने क्या अनुभूति हुई, त्रिमूर्ति के सामने क्या अनुभूति हुई, जो प्रतिष्ठित होना है भगवान उनके सामने मुझे क्या फीलिंग आई, किसी ने नहीं सोचा, जबकि वो ही सोचने के लिए धूप का व्यवधान रखा जाता है कि तुम्हारे शहर में जितने मंदिर हों हर मंदिर की अनुभूति महसूस करना, वो तो किसी ने करी नहीं, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की, मेरा फोटो, मेरा ये, मेरा वो, तू कहाँ थी, क्या थी, वह दिन बाद मिली, ऐसा हुआ, बकवास करके आ गया, अनुभूति लेना थी ना हर क्षेत्र की, इस हाल की क्या अनुभूति है, वो चौथे काल की मूर्ति की क्या अनुभूति है, जो अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं उनकी क्या फीलिंग आ रही है, जिन बिंब को देखते ही नास्तिक से भी नास्तिक को एक बार निकल जाता हूं, हाँ हाँ कितनी सुंदर मूर्ति, है ना, इकाई की अनुभूति हो रही, आनंद की, किससे हुई है, मूर्ति से, है ना, हुई कि नहीं, ऐसा कभी महसूस किया है, भले क्षणिक हो, होता है या नहीं, तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो अपना फल देते ही देते हैं, उनका फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे दीक्षा ले लो मुनि बन जाओ, चाहे पूजा करो पाठ करो, कुछ कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, उन कर्मों को निधत्त निकाचित कर्म कहते हैं, लिख लो ये निधत्त निकाचित शब्द, ये नाश नहीं होता फल दिए बिना, इनकी निर्जरा नहीं होती, ये फल देंगे ही देंगे, समझ में आ रहा, चाहे कितने भी महापुरुष बन जाओ, कुछ कर्म ऐसे हैं जो बिना फल, देखो ये आगम के शब्द नहीं आएंगे फिर भी लिख लो, निधत्त निकाचित, कुछ कर्म ऐसे हैं जो अपना फल देते ही देते हैं, चाहे आप उनसे बचने का कुछ भी प्रयास कर लो, पूजा से भी नहीं कटेंगे, उपास से भी नहीं कटेंगे, दीक्षा से भी नहीं कटेंगे, वो फल देकर ही जाएंगे, है ना, उनका फल मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप देखते हैं ना कि धार्मिक लोग भी दुखी हैं। अब कई लोग बोलते मुत्ता मंदिर पूजा पाठ सब करते हो, तुम्हारी तो समस्याएं वैसे ही हैं, उसको क्या बोलोगे, निधत्त निकाचित कर्म, निकाचित, निकिता कैसे लिखते हो, निकाचित लिख दो, स्पेलिंग भी बताएं, नी छोटी वाली नी, बड़ा वाला का, छोटी वाली ची, और फिर त्या, निकाचित, अब बोर्ड भी लाना पड़ेगा क्या, क्या करे, तुमने कभी सुना नहीं है ना ऐसे शब्द, तुम्हारी गलती नहीं है, कभी स्वाध्याय करा ही नहीं है,
तो एक बार सीधा सीधा, ज्यादा डीपली मत जाओ कि कौन से कर्म निधत्त निकाचित नहीं है, कौन से है, समझ में आ रहा, उसमें मत जाओ, वो बहुत लंबा विषय है। अपन तो समझने के लिए बस इतना समझ लो, कुछ कर्म ऐसे हैं जो फल दिए बिना नहीं जाते। इन कर्मों का फल तीर्थंकर को भी भोगना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तीर्थंकर भी बन जाओ तो भी वो कर्म नष्ट नहीं होगा जब तक अपना क्या नहीं देगा, फल नहीं देगा, समझ में आया। निधत्त निकाचित समझ में आया, बोलो जरा एक साथ बोलो, कौन सा कर्म? जिस कर्म का नाश बिना फल दिए नहीं होता। लिख के भी नहीं बोल पा रहे तो क्या करें, बोलो हमारी बात बोलो। ऐसे कर्म जिनका फल भोगना ही पड़ता है, वो किसी भी कारण से बिना फल दिए नष्ट नहीं होते। जोर से बोल लो रे, मुंह में दही जमा है क्या, समझ में आ रहा। ऐसे कर्म तीर्थंकर को भी भोगना पड़ते हैं, समझ में आया। अब बहुत अच्छा विषय, ये क्लियर हो गया। कुछ कर्म बिना फल दिए चले जाते है ना, लेकिन ये निधत्त निकाचित ऐसा कर्म है जिसको भोगना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ। जैसे आयु कर्म, एक बार बन गया तो तुम कितने भी पूजा पाठ करो, नरक बन गई तो जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, वो निधत्त निकाचित बन जाती। आयु कर्म निधत्त निकाचित है, एक बार बन गया तो फिर छूटता नहीं। देव शास्त्र गुरु के सामने पाप धर्म स्थान में किए गए पाप, इतना समझ। अन्य क्षेत्रे कतम पापम, धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेप का अर्थ क्या होता है? निधत्त निकाचित है ना। आप घर में मायाचारी कर रहे हैं, वो कर्म आपको ज्यादा फल नहीं देगा, लेकिन धर्म में कर रहे हैं तो ज्यादा फल। धर्म में झूठ बोलना, धर्म में छल कपट करना, धर्म में क्रोध करना, धर्म में लोभ करना, ये सब निधत्त निकाचित बनेंगे, समझ में आ रहा। धार्मिक हिंसा, धार्मिक झूठ, धार्मिक छल, धार्मिक व्यभिचार, ये सब निधत्त निकाचित बनेंगे। धर्म का रूप धारण करके आप ये सब नहीं कर सकते हैं। नहीं आ रहा? कैसे बनते हैं? धार्मिक पाप होते हैं कि नहीं? नियम ले लिया, तोड़ दिया, धार्मिक पाप, समझ में आ रहा। ब्रह्मचर्य ले लिया, भंग कर दिया, धार्मिक पाप, ये निधत्त निकाचित बनेगा, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा भंग की है। क्या किए? प्रतिज्ञा ली थी ना, नियम तोड़े हैं ना, तो निधत्त निकाचित बनेंगे, उनका फल भोगना ही पड़ेगा। समझ आया? अब देखो, शास्त्रों में कहा है ये निधत्त निकाचित कर्म भी स्थापना जिनसे छूट जाते हैं, भाव जिनसे नहीं छूटते। किससे छूटते हैं? दर्शनम पाप नाशनम। कौन से पाप का नाश? निधत्त निकाचित का भी हो जाता है, सर्व पाप नाश। किससे? किसके दर्शन से? साक्षात जिनसे नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा तीर्थंकर के दर्शन करो तो निधत्त निकाचित कर्म चले जाएंगे, ये लिखा है जिन बिंब के दर्शन करो तो निधत्त निकाचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। अब देखो, ऋषभ देव भगवान बैल के मुख में सीका बांध दिया, छह घड़ी को कर्म निधत्त निकाचित बन गया,
क्योंकि वो धार्मिक पुरुष थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? समझ आया? तो उन्होंने बैल के मुख में क्या बांध दिया, बैल भूखा था, भूखा नहीं हो बांध दो तो नहीं बंधेगा, आदमी पूरी कहानी नहीं बताता। बैल कैसा था? यदि भूखा नहीं होता और बांध देते तो कोई पाप नहीं था, लेकिन बैल कैसा था? अब वो किसी को पता नहीं था, अब वो भूख में तड़फ रहा था, इनने कहा इसको बांध दो, यदि पेट भरा होता बांध देते तो कुछ भी पाप नहीं लगता। वो खाने के लिए हो रहा था फसल को, और ये कह रहे थे अब इसका मुंह बांध दिया जाए, अन्नपान निरोध है ना, निरोध कर दिया उसके अन्नपान का। ऋषभ देव को ये कर्म बंध गया, है ना? छह घड़ी का बांधा और छह महीने का बंध गया, फल डबल मिलेगा। निरत ने कहा 10 गुना 1000 गुना, अब 6 महीने आहार नहीं मिलेंगे। तो ये तीर्थंकर जो भाव जिन हैं, स्वयं तीर्थंकर हैं, वो इस कर्म का नाश क्यों नहीं कर पाए बिना फल दिए? दिमाग लगा, क्यों नहीं किया उनने इस कर्म का नाश? वो तो भाव जिन थे ना, उसी भाव से मोक्ष जाना है। कमठ पारसनाथ निधत्त ने कहा चित उपसर्ग होगा ही होगा, 3 लोक का नाश सर्वशक्तिमान, वो भी इस कर्म को भोगे बिना मोक्ष नहीं जा सकता। भोग नहीं पड़ा कमठ उपासनाथ का, जो 7-7, 10-10 भाव का बैर था, ये निधत्त निकाचित था, ये भोग नहीं पड़ेगा उनको, उसके बिना इनको मोक्ष, वो यदि वो उपसर्ग नहीं करता ना तो इनको मोक्ष भी नहीं होता। समझ में आ रहा कौन सा कर्म था वो? कठिन तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहे पीछे? समझ आ रहा विषय कि नहीं आ रहा? ऋषभ देव जब स्वयं तीर्थंकर हैं, उसी भाव से मोक्ष जा रहे हैं, इस कर्म को क्यों नहीं क्षय कर पाए भोगे बिना? क्यों नहीं कर पाए? और कर्मों का नाश कर देते हैं वो बिना फल दिए, लेकिन इस कर्म का नहीं कर सकते। निरत निकाज इसलिए नहीं कर पाए कि उन्होंने तीर्थंकर अवस्था में कभी भी जिन बिंब के दर्शन नहीं किए। तीर्थंकर मंदिर नहीं जाते, उनकी नकल मत कर लेना, वो तो भोग लिए वज्र के थे, तुम मर जाओगे, है ना? उनका ऐसा नियोग है कि तीर्थंकर प्रकृति से जन्म लेने वाला जीव मंदिरों की वंदना नहीं कर, किसी भी मुनि को आहार नहीं देता, किसी भी मुनि का पड़गाहन नहीं करते। वो इच्छा से नहीं करते या तीर्थंकर प्रकृति करने नहीं देती, क्योंकि इतना पुण्य है नहीं कि तीर्थंकर तुमको आहार दे, इतना पुण्यात्मा तो जगत में कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा? तो तीर्थंकर पूरे जीवन में कभी भी स्थापना जिनके दर्शन नहीं करते, इसलिए उन्हें वह कर्म भोगना ही पड़ता है। अब बोलो हमारा अच्छी सुविधा है या उनको अच्छी सुविधा? क्यों नहीं होते थे? उनके परिवार मंदिर जाता था, वो नहीं जाते थे क्यों? सुबह से उठ के मम्मी तो करती थी उनकी सब, वो नहीं करते थे। समझ में आ रहा? जिनालय तो थे ना, क्यों नहीं होंगे जिनालय? जब भरत ने 72 जिनालय बनवा दिए थे, इसका मतलब मंदिर परंपरा तो थी ना, सब थे, क्या करेंगे? तीसरी काल में 72 जिनालय बन गए या नहीं? कैलाश पर्वत पे किसने बनवाए थे? उनके ही लड़के ने। तो क्या वो दर्शन करने गए थे? तीर्थंकर नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते कि उनको अहंकार है, वो तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है, वो नहीं जाते। जैसे सूर्य रात में नहीं उग सकता है, उसकी मर्यादा है, वो दिन में ही उगेगा।
उसमें सूर्य की अपनी इच्छा नहीं चलेगी, 12 घंटे बाद उसे छिपना ही है, ये नेचुरल चीज है, स्वाभाविक। कोई भी मंदिर नहीं जाते, कोई भी अभिषेक नहीं करते, किसका करेंगे? उनका खुद ही पैदा होते ही अभिषेक हो गया तो दूसरों का काहे को करेंगे? पैदा होते ही उनको सुमेरु पे ले गए, उनके खुद के ही अभिषेक हो रहे हैं तो वो दूसरों का क्यों करेंगे? तुम तीर्थंकर नहीं हो, ये तीर्थंकरों के लिए नियम है, वो नहीं करेंगे, इसलिए उनका निधत्त निकाचित बात उसमें मत लफड़े में जाओ, निधत्त निकाचित कर्म की बात करो। अपन ये सिद्ध करना चाहते हैं कि स्थापना जिन भाव जिन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उनके दर्शन हमको मिल रहे हैं, हमारा चौथे काल से भी बड़ा सौभाग्य है कि प्रतिमा के दर्शन करने को हमको प्राप्त हो रहे हैं। अभागे लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं, समझ में आ रहा है? अभागे कर्म फूटे हैं उनके, उनका कल्याण अभी होना नहीं है, वो ऑफिस दुकान दफ्तर स्कूल का बहाना करते हैं, उनका कल्याण अभी है ही नहीं, सद्बुद्धि आई नहीं, इसलिए कहते ना वो ही लाहो, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। सद्बुद्धि क्या है? जब वो स्वाध्याय करेगा तब सद्बुद्धि आएगी ना। तो एक नंबर पे स्थापना जिन होंगे या भाव जिन, महत्वपूर्ण वही है, वही सम्यक दर्शन के कारण। अब किसकी अपन को ज्यादा आराधना करना चाहिए? बचन बोलत मनो हसत कालुस हरम भौन भावन प्रतिमान मो सुख करम लाल नख मुख नयन श्याम अरु सेत है श्याम रंग भोए सिर केस छवि देत है। तुम्हारी दर्शन से तुम्हें देखने से क्या होता है? बयन नहीं कहे लकी होत सम्यक धर्म, बोलती नहीं है वो प्रतिमा, बयन नहीं कहे मुख से बोलती नहीं है, फिर क्या होता है? लकी तुमको देखने से क्या हो जाता है? सम्यक धर्म, तुमको देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती। तीर्थंकर को देखने से हो या ना हो जरूरी नहीं, समझ में आ रहा? इनको देखने से हो जाए, देव दर्शन की महिमा समझ में आ रही है? प्रतिमा की बोलो, अभी तक तो भाव जिन को ही सब कुछ मान रहे थे, भाव जिन कभी नहीं मिलेंगे, लिमिटेड टाइम है उनका, ये अनलिमिटेड, समझ में आ रहा? ये मूर्ति जो मंदिर में विराजमान होगी कब तक रहेगी? अपनी जैसी कितनी पीढ़ियां, 100 पीढ़ियां भी चले जाएंगी, भगवान वहीं बैठे रहेंगे, समझ में आ रहा? कितनों का कल्याण कर देंगी? ऋषभदेव, महावीर, अजितनाथ, संभवनाथ, ये तो लिमिटेड समय के लिए आए हैं, इनका टाइम फिक्स है, मूर्तियों का टाइम बोलो, तो तुम्हारा कल्याण कौन करेंगी? मूर्तियां करें, स्थापना निक्षेप करें, इसलिए इनकी मूर्ति का जब अभिषेक करो तो ये मत सोचना कि मूर्ति है पत्थर है, जो मिथ्या दृष्टि लोग है ना अपने समाज में है, जो मूर्ति नहीं पूजते, मिथ्या दृष्टि लोग, उनके कल्याण होने वाले, और वो तर्क देंगे मूर्ति में क्या रखा है, वही मूर्ति है क्या? अरे स्थापना जिन है, आप तत्वासूत्र का तत्वासूत्र वो भी पढ़ रहे हैं, जो मूर्ति नहीं पूजते, स्थानक वाले नहीं पूछते ना, वो तत्वासूत्र तो पढ़ते हैं, उसमें स्थापना निक्षेप भी पढ़ते हैं, तो उसको मानते क्यों नहीं? अपने यहां भी एक तारण पंथ है दिगंबरों, जो मूर्ति नहीं पूजता, ओशो हुए ना, एक तारण पंथी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जैन थे, रजनीश है ना, ये तारण पंथी थे, ये मूर्ति आज भी तारण पंथ एमपी में है, जबलपुर, गाडरवारा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, यहां पे तारण पंथी लोग हैं, ये मूर्ति नहीं पूछते, ये शास्त्र पूछते हैं।
जैसे श्वेतांबर में स्थानक है वैसे दिगंबर में भी है, लेकिन वो दिगंबर सीमित हैं, वो अब सब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, सब मूर्ति पूज रहे हैं महाराजों की विजय से। आचार्य विद्यासागर जी जब से एमपी गए हैं तो वहां से बहुत सारे तारणपंथी मूर्ति को पूजने लगे हैं, तभी आहार लेते, नहीं तो सिद्धांत खंडित होता है। कैसे आप मूर्ति का निषेध कर सकते हैं? ये निधत्त निकाचित कर्मों का नाश करती है। मूर्ति छिपा दी थी अंजना ने पिछले जन्म में, 22 घड़ी को छिपाई थी, 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा, समझे कौन सा कर्म मान लिया था उसने, निधत्त निकाचित कर्म। इनकी आप अपमान करोगे, इनकी हंसी उड़ाओगे, इनकी अवमानना करोगे, निधत्त निकाचित कर्म बंधेगा उसको, तीर्थंकर साक्षात तीर्थंकर भी नहीं काट पाएंगे, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कभी जीवन में मूर्तियों का अपमान नहीं करना। इसलिए कहते ना कि जब बैठो तो भगवान की तरफ पीठ नहीं करना, स्थापना जिन है अभिनय हो जाएगी, अवहेलना हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा विषय समझ में? इन निक्षेपों में नाम स्थापना द्रव्य भाव ये सब निक्षेप बात के हैं। सबसे पहला स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप में नाम देना पड़ेगा अरिहंत, ये नाम निक्षेप। इसलिए पहले नाम, फिर दूसरे नंबर पे क्या रखा, ऐसे अरिहंत नाम क्यों देना पड़ा? ऐसे तो फिर तुम कोई भी मूर्ति पूजने लगोगे। तो बोले नहीं, कोई भी मूर्ति नहीं, कौन की मूर्ति? अरिहंत सिद्ध। इसलिए पहले कौन सा निक्षेप रख दिया? नाम, कुदेव देव नहीं है ना, तस्वीर और फोटो का अर्थ तो एक ही होता है भाई, दोनों में क्या अंतर? हाँ, वो तस्वीर फोटो भगवान की है तो स्थापना ही, लेकिन अभी उसमें संस्कार नहीं हुए हैं। अब मूर्ति रखी, इनका अभिषेक होगा क्या जब मंदिर में रखें? पहले इनके संस्कार होंगे, भगवान बनेंगे पंच कल्याणक कर, ये पूज्य हैं। लेकिन वो जो तस्वीर है फोटो है वह अपमानित करने की चीज नहीं है। आप उस पर लात रखेंगे निधत्त निकाचित बनेगा, फोटो पर भी, समझ में आ रहा है? सम्मानित करो, सम्मान की चीज है, लेकिन पूजा की चीज तो ये है। किसकी कर सकते हैं? अतदाकार स्थापना भी होती है ना, फोटो तो छोड़ो, यदि घर में फोटो ही नहीं है तो आप ऐसे भी आरती उतार सकते हैं। अतदाकार स्थापना, एक सुपारी में कह दिया ना कि हमारे भगवान हैं, तो आप उसकी आरती उतार सकते, क्या दिक्कत? क्षेत्रपाल तदाकार भी होते हैं और सिंदूर वाले भी होते हैं, है ना, नारियल पे सिंदूर चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, क्षेत्रपाल बन जाते हैं। आ तदाकार स्थापना है ना, वह भी पूज्य। ये ठोने में तुम रखते हो ना लौंग, वो कौन सी स्थापना? आतदाकार बोलते ना, ओम रीम पासना जिनेन्द्र अत्र उतर उतर संभव शट, बोलते कि नहीं? नहीं बोलते। तो ठोने में क्या है? वो भगवान है। क्या है? पुष्प नहीं है वो, फूलों को कोई ऊपर रखता है क्या? और यदि फूलों को ऊपर रखना है तो पुष्पम निरपांति में नीचे क्यों चढ़ाते? फिर एक ठोना उसका भी रखो, फूल सम्मान थोड़ी पा रहा, वो भगवान ही है। पूजा की किताब है क्या? निकालो जरा, कोई सी भी पूजा निकालो। देव शास्त्र गुरु, जो खुल जाए वही सही, निकाल लो। कौन सी? एक सी निकाल ना, लेकर कौन सी निकाली? आदिनाथ। चलो ठीक है, पेज नंबर
आदिनाथ 14 40 नंबर 40 पेज। अब देखो जरा इस मंत्र बोलो जरा। ओम रीम आदिनाथ जिनेन्द्र। किसको बुला रहे लौंग में? पुष्प को बुला रहे या भगवान को? क्या बोल रहे? जिनेन्द्राय नहीं बोलना। स्थापना में विभक्ति नहीं लगेगी, विभक्ति अष्टक में लगेगी। पार्श्वनाथ जिनेन्द्र एक वचन, महावीर जिनेन्द्र एक वचन, लेकिन कई बोल देते हैं। ओम री महावीर जिनेन्द्राय अत्र। जिनेन्द्राय कैसे बोला? व्याकरण अशुद्ध है। जिनेन्द्राय नीचे आएगा। षष्ठी का मतलब है काकी के, है ना? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जिनेन्द्र आदिनाथ जिनेन्द्राय। जिनेन्द्र भगवान के लिए मैं ये चढ़ाता हूं, लेकिन स्थापना में के लिए नहीं आएगा। एक वचन क्या आएगा? क्या लिखा है इसमें? आदिनाथ जिनेन्द्राय लिखा या जिनेन्द्र लिखा? बोलते क्या हो? जिनेन्द्राय कैसे बोल सकते? कोई सी भी पूजा ले लो, आदिनाथ के पार्श्वनाथ होंगे, व्यवस्था वही है। समझ में? समझने के लिए आदिनाथ पार्श्वनाथ मत उलझो, कोई से भी भगवान। इसमें पेज नंबर 60 पे शांतिनाथ भगवान पूजा है। अरे वो तुम दूसरी पुस्तक निकाले हो, वही पूजा। प्रभु गुणगान दो तरह की छपी है ना, अलग अलग। अरे समझो विषय, वो छोड़ो, कोई से भी पेज पे हो। वो उसमें शांतिनाथ जिनेन्द्र लिखा हुआ है, गलत है, उसको मिसप्रिंट होगा। गलत है। जिनेन्द्र एक वचन, एक को बुला रहे ना। तो आपने लवंग में किसको बुलाया? नाम किसका लिया? तो जो लोग कहते हैं वो भगवान नहीं, क्यों नहीं है भगवान? अतदाकार स्थापना है। कौन सी स्थापना? मूर्ति कौन सी स्थापना है? तदाकार। लवंग कौन सी स्थापना है? समझ में आ रहा? फिर क्या बोला? ओम रीम आदिनाथ जिनेन्द्र। पहले तो बोलिए अवतर आओ, फिर तिष्ठ तिष्ठ। अत्र बोला है कि नहीं? अत्र का अर्थ क्या होता है? यहां, वहां नहीं। वहां से उठ के कहां आओ? मेरे ठोने में। इसलिए तो हाइट उसकी ऊपर है, लेकिन कुछ लोग थाली में ही चंद्रमा बना के स्थापना कर देते। गलत। ठोना नहीं होगा, ठोना को मंगल द्रव्य बोला है, वो होना स्थापना, उस पर ही स्थापना करना। समझ में आ रहा? अत्र माने यहां, कहां? यहां। तिष्ठ तिष्ठ, यहां बैठो। क्यों बैठो? सन्निधि कर। एक बात बताओ, अभी कई पंडित पैदा हुए सिर फिरे लोग, जिन्हें आगम फागम नहीं आता, बातें करते हैं। कई पंडित कहते जब मूर्ति रखी है तो स्थापना क्यों करना? ऐसा बोलते हैं, जब बैठे ही हैं भगवान तो स्थापना। ऐसे आए हैं कई, ऐसे बुद्धि के खुरापाती लोग, है ना? अब तुम वहां बैठे हो, भगवान दूर हैं या पास हैं? सन्निधिकरण पास में आना है ना, तो ठोने में नहीं रखोगे तो पास कैसे? इधर बैठ के करोगे पूजा? कहां बैठ के करोगे? भगवान को सन्निधि का मतलब होता है अति निकट बुलाने के लिए स्थापना की जाती है, तीसरी लाइन के लिए। नहीं तो निकट कैसे आएंगे भगवान? वो जब जिसकी पूजा कर रहे वो तुम्हारे निकट ही नहीं है तो पूजा किस काम? तो एक प्रतिमा है यहां, ये सबके पास जा सकती है क्या? दूरी रहेगी ना, वेदी पर रहेगी ना, लेकिन पूजा वेदी पे बैठ के करोगे क्या? कहां करोगे? तो दूरी बढ़ गई कि नजदीक आ गई? तो नजदीक कैसे आओगे? सन्निधि करना है ना। यही भगवान, तुम मूर्ति से निकल के कहां आ जाओ? मेरी अतदाकार स्थापना में आकर बैठ जाओ। समझ में आ रहा विषय? नहीं आ रहा? कब से कर रहे हो? जिंदगी से मालूम नहीं है। अब इसमें और भी गलतियां हैं। अब जैसे देखो, मंत्र देखो। ओम रीम से आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभव षट। उसके बाद क्या लिखा? नहीं बोलना चाहिए, संभव षट खत्म।
आह्वान ये इस एक काम करो, पेन है ना, आह्वानन को ब्रैकेट में कर दो, कोष्टक बना दो, सन्निधि स्थापनम को भी कोष्टक बना दो और सन्निधिकरणम को भी कोष्टक बना दो। इसका मतलब क्या हुआ, ये आह्वान मंत्र है, बोलना नहीं है, टाइटल है, है ना। अरे वो नमो हमारी वो कोई लड़के नहीं है, भाग गए, वो अपनी जो विधान की पुस्तक है जो अभी मैंने लिखी है पारसनाथ भगवान की, जिन शरणम विधान है क्या, कहीं रखी होगी, उसमें मैंने चेंज कर दिया सब। तुम्हारे पास है भैया तो सन्निधिकरण तो करना पड़ेगा ना उसका, कि दूर से ही समझ, जिनवाणी का सन्निधिकरण नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे, तो मतलब क्या है। अपन कहते हैं ना जिनवाणी लाओ, जिनवाणी का सन्निधिकरण करो, शब्द ये है संस्कृत में, प्रतिमा का सन्निधिकरण करो, वो सन्निधिकरण कैसे करो तो बोले मंत्र से करो, तो मंत्र कहाँ पूरा हो गया, ओम रीम आदिनाचिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभव षट, जय हो जय हो जय हो, आह्वानन बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा रट गया है कि वो निकल ही जाता है, संभव षट आह्वाननम, आह्वानन तो मंत्र है, और स्थापना का मंत्र कौन सा है, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह, बस खत्म, फिर स्थापनम बोलने की जरूरत नहीं है। ये मिस प्रिंट छपते गया, छप मंत्रों के कई भेद हैं, वशीकरण मंत्र अलग होता है, मारण मंत्र अलग होता है, उच्चाटन अलग होता है, ऐसे ये मंत्र के भेद हैं, सन्निधिकरण का मंत्र अलग होता है, सन्निधिकरण कौन से मंत्र में जाएगा, वशीकरण। अब हमने भगवान को वश में कर लिया, इसलिए सन्निधिकरणम बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा हमारे नमोकार मंत्र की कितने, जिन शरणम का मैंने विधान लिखा है उसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, ये जो पीछे है ना इनको मैंने आगे लिख दिया, आह्वान मंत्र ओम रीम आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभव षट हो गया, स्थापना मंत्र ओम रीम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा, फिर टाइटल दे दिया सन्निधिकरण मंत्र, ये टाइटल है, क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे। बहुत गलतियां हैं पूजाओं में, ये सोच छोड़ने में लगे गलती कर रहा है, क्योंकि वो आदत पड़ गई ना, उस आदत को गलत आदत है। ये सब बोलने की ये तो मंत्र के नाम है, हाँ। वो प्रूफ प्रूफ रीडिंग सही नहीं है ना, छपती गई, उनने का छाप दे, उनने का छाप पढ़ता कौन है, नहीं। जब तक अभिषेक क्रिया पूर्ण ना हो तब तक पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि पूजन के छह अंग हैं, पहला अंग कौन सा है, अभिषेक, फिर आह्वान, फिर स्थापना, फिर सन्निधिकरण, फिर अष्टद्रव, फिर विसर्जन। तो आप क्रम क्यों उल्टा सीधा करोगे तो कितना नंबर, जीरो। इसका उत्तर यहाँ आगे पीछे करोगे, पहली क्रिया क्या है पूजन की, अभिषेक पूजा का अंग है, उस अंग को छोड़ के कैसे पूजा करोगे, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है। गुरुदेव जी शरण आदिनाथ पूजन में कोष्टक में लिखा हुआ है 72 आपके द्वारा रचित ही है, पेज नंबर 72 में, ओम रीम सरस्वती प्रदाय श्री जी शरण आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर सबोष्ट। हाँ तो गलत है ना, आवानम को कोष्टक में लिखा है, जिनेन्द्राय लिखा है तो गलत, नहीं जिनेन्द्र जिनेन्द्र लिखा है, जिनेन्द्र हाँ, क्योंकि विभक्ति जिनेन्द्राय षष्टिकाय में लगती के लिए, पढ़ा है ना व्याकरण में, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया ऐसा है ना, काकी के तातीते के लिए, तो वहां लगेगा ना नीचे, ये देखो कोई दिखा दो, ए लफंटू
पीछे दिखाया, अपने मोबाइल पे खींच लो, विधान की पुस्तक बाहर मिल जाएगी चाहिए तो, ये ले रहे देखो ऐसा असली ये है, दिखा बो नहीं ये वाला देखो, ये हमारा नया एक शोध है, फोटो खींच लो कैसा लिखा है, ऐसा ही छपना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, है ना, ये है, ये मंत्र के नाम है वो, और अपन उसमें ही जोड़ देते हैं, हाँ देखो पुरानी जिनवाणी देखना उसमें भी कोष्टक में ही लिखा होगा, ये नई नई में गड़बड़ हो गया है, कोष्टक का मतलब ही उस मंत्र का नाम है ना, अरे मिल जाएगी पुस्तक मिल जाएगी, क्यों परेशान हो रहे, ये तो इसलिए दे रहे हैं कि वो तुम्हें याद रहे, हाँ चल हो गया अगला, चले आगे चले भाई, बहुत हो गया, ये भ्रांतियां सब दूर करो, अभी तो शांति धारा में हजार गलतियां बोलते, एक एक विषय पे विषय चलेगा ना तो बरसों चले क्लास तो भी भ्रांतियां टूटेंगी, नहीं ओम बनाने का कमल का फूल नहीं, आचार्य श्री जो पूजा की बुक आपने दी है ना उसमें जिन श्रीनम आदिनाथ पूजा 72 पेज पर है उसमें प्रॉपर ब्रैकेट में डाल के छपा हुआ है, हाँ वही बोल रहे हैं ना वो हमारी हम भी तुम्हारे जैसे बुद्धू थे बाद में अकल आ गई, नहीं ब्रैकेट में डाला हुआ है, हाँ मुझे समझ आया तब, और ठोने को थाली में नहीं रखना, चढ़ाने वाली थाली में तुम ठोना रखते हो गलत, चढ़ाने वाली थाली निर्माल्य है, ठोना निर्माल्य नहीं है, वो उनका आसन है, उसको बाहर रखना चाहिए, चलो पूजा का तो बहुत लंबा विषय है, समझ आया, कहाँ थे कहाँ आ गए भाई, भटक गए हैं, हाँ पहले का नहीं आ रहा था, एक जो बोलो ना तो समझ में आए हमारे, माइक तू अधिकार जमा के क्यों बैठा है, दूसरे को देना, विसर्जन के बाद जो लोग से स्थापना की है और उसके बाद विसर्जन किया तो उसके बाद में जब शांति पाठ पढ़ते आशीर्वाद लेने के बाद उसको थाली में डाल सकते हैं, सुनिए जब शांति पाठ पढ़ते हो तो उसमें एक श्लोक आता है, प्रध्वस्तघाति कर्माणाम केवल ज्ञान भास्कर, हिंदी में क्या बोलते हैं, घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज, शांति करें सब जगत में वृषभादिक जिन राज, वो लोगों को क्या बोल रहे हैं, वृषभादिक जिन राज, वृषभादिक जिन राज, उनमें जल डाल दिया, फिर क्या बोल दिया, आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाव हूं, जहां से आए वहीं जाओ, विसर्जन नहीं करोगे तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी, अब विसर्जन के बाद अब वो लोंग में से जो हमने स्थापना की थी विसर्जन किया तो भगवान तो गए, अब क्या बचा, लोंग, लोंग यानी बॉडी, बॉडी का क्या होता है, अग्नि संस्कार, अब तुम्हारे यहां धूप घट तो है नहीं, इसलिए पहले पूजा में धूप घट रखते थे, उस लौंग को निकाल के जल को आशिका समझ के लगाना और लौंग को धूप घट में डाल देना, वो उनका अग्नि संस्कार हो गया, अब तुम जो कर रहे हो वो आगम तो है नहीं, आज तो मंदिरों में धूप घट ही बंद हो गए, पहले रखे जाते थे कि नहीं, दीपक अलग धूप घट अलग, इसलिए तो सम्यक पूजा नहीं है ना, तुम जो धूप खेते थे वह अग्नि थी, तो जब पहले के लोग लवंग निकाल के अग्नि में, आप मुनि महाराज का प्राण निकल जाएंगे तो शरीर का क्या करोगे, थाली में डाल दोगे क्या करोगे,
अग्नि संस्कार होगा ना, तीर्थंकर मोक्ष चले गए, उनके मायावी शरीर का क्या होता है? तो जो अग्नि संस्कार, ये जैनों की परंपरा है। देते हैं तो उसमें डालो, संस्कार कर दो, उसमें से जो हमने प्राण बुलाए थे मंत्रों से, उनको रिटर्न कर दिया कि अब जाओ, तो अब वो क्या बचा? प्राण विहीन। तो जो प्राण विहीन होता है उसका क्या होता है? अग्नि संस्कार कर, फिर उस भस्म को लगा लो। तब वो नहीं जलाते तो भाई, अब उनसे पूछे वो मर जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्हें जलाएंगे कि ऐसे फेंक दें? किसने निषेध किया? अग्नि माही परिमल दहन चंदनादि गुणलीन जासो पूज्यो परम पर देव शास्त्र गुरु। अग्नि माही, यदि आप बिना अग्नि के धूप चढ़ा रहे हैं तो आपको उस द्रव्य का फल नहीं मिलेगा। गलत लिखोगे नंबर, नहीं लिखोगे नंबर, अग्नि नहीं रखना नंबर। अब उसमें कोई क्या करेगा? नंबर जीरो है, पूजा भी हो रही, नंबर मिली नहीं। अग्नि क्या है? मंगल द्रव्य है। सब्स्टिट्यूट क्यों? कोयला महंगा है। अब आजकल क्या हो गया है कि रेडीमेड चाहिए। हम पूजा तब करेंगे जब पुजारी लगा के रखेगा। ये तुम्हारा अपना काम है, तुम्हें घर से लाना चाहिए, अपना काम है। महाराष्ट्र में हम लोग पूजा कराते थे, अभी पूना औरंगाबाद, वहां पे पुजारियों का द्रव्य नहीं लेते, वो अपने घर से लाते हैं सब, है ना? महाराष्ट्र में आज भी, साउथ में आज भी, अरे तो अपने उत्तर भारत की परंपरा है कि पुजारी ने टेबल लगा दी, सामग्री रख दी, तुमने यहाँ पे उदक चंदन कर दिया। ये नहीं है मूल व्यवस्था। वो आज भी हमने महाराष्ट्र औरंगाबाद चतुर्मास था, वहां शिविर लगा, हमने कहा थाल, किसी भी मंदिर में वहां पूजन के बर्तन नहीं है, सब अपने घर से लाते। विधान में भी घर से लाते, पंच कल्याणक में घर, वहां से कुछ नहीं लेते। वो है मूल धर्म। अब तुमको सब रेडीमेड चाहिए तो कहां से पूजा होगी? सम्यक, नंबर तो कटेंगे, कटेंगे या नहीं? मालूम है जब पहले शादी होती थी तो माँ बेटी को दहेज में पूजन के सेट देती थी, जिनवाणी देती थी, माला देती थी, बेटा ये तेरा दहेज है, घर वाले भूल जा तो भूल जाना, ये माँ की शिक्षाएं नहीं भूलना। देती हो पूजे दहेज में? फ्रिज देते हो, कूलर देते हो, एसी देते हो, सनीचर दे रहे हो, बेटी कहां से सुखी रहेगी? लोहा दे रहे हैं, सनीचर है, फिर कहोगे एससी जैन को बुला। असली दहेज क्या है? यही होता था, उसमें धूपना भी देती थी, आरती भी देती थी, स्थापना भी देती थी, बेटी ये ससुराल में रहकर भी देव शास्त्र गुरु को नहीं भूलना। आज दे दो तो फेंक दे, तुमने जब कुमारे में नहीं दिया तो शादी में का लेंगी। समझ में आ रहा? ऐसी व्यवस्था बना लो कि जब भी किसी की शादी में, विवाह में गिफ्ट देने जाओ तो धार्मिक उपहार देना चाहिए, उससे आपको पुण्य लगेगा। ये क्या गुलदस्ते, बुके, कार्ड फार्ड ये देना चाहिए? पूजन के सामान देना है ना। समझ आया? रुको रे तुम लोग, हाँ क्या समझ आया? कहाँ चले गए अपन? बोलो, ये स्थापना निक्षेप का वर्णन चल रहा है। यदि आप इस तरह से स्थापना और विसर्जन नहीं करते हैं तो आप स्थापना जिनकी पूजा व्यवस्थित नहीं करते, और जो अव्यवस्थित करेगा कितने नंबर? नहीं लिखेगा, पूजा करेगा ही नहीं, जीरो। गलत करेगा, जीरो। उल्टा सीधा करेगा, इसीलिए तो पापों का नाश नहीं होता है।
उल्टा सीधा क्यों करते, अपने मन से क्यों बना लेते कि हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, ऐसी आज्ञा है ही नहीं भगवान की। अब आजकल धूप नहीं अग्नि में डालते, चढ़ाते हैं और बोल क्या रहे हो, बोल क्या रहे, अष्ट कर्म दहनाय। दहनाय का अर्थ क्या होता है, जलाना, और चढ़ा रहे, चढ़ाने, चढ़ाने को तो नैवेद्य बोला है, नैवेद्य में दहनाय शब्द नहीं लिखा, नैवेद्यम निर्वपामिति है ना। अब नहीं जलाने देते तो जब मंदिर में जलाने देते वहां जाओ, ऐसे मंदिर में क्यों जाना, जहां हमें पूजा ही नहीं करने देते। मंदिर काय के लिए जाता, आदमी पूजा करने को जाता है, लेकिन तुम लोग उनकी गलत परंपराओं का समर्थन करते हो इसलिए वो बढ़ते जाते हैं। नहीं जाना उस मंदिर में, क्या हुआ, गाड़ी से थोड़ा चक्कर और लगेगा, उस मंदिर में जाओ जहां जलाने देते। आज बापी वाले वहां नहीं जलाने देते, सब यहां आते हैं कि नहीं, पूरा पर्युषण यही मनाते, कल पूरे बापी की भीड़ थी, इसलिए नहीं कि जिन शरणम का प्रभाव है वहां ये करने नहीं देते, इसलिए क्या करे, चलो जिन शरणम ही चलते, वर्जित है वहां, है ना, धूप दीप नहीं करते, इसलिए जिनकी श्रद्धा है भक्ति है वो यहां पे आते हैं। क्या पूजा घर में करोगी कि मंदिर में करोगी, कहां जलाओगी, घर में उठा के लाओगी क्या? पूजा का विसर्जन तो मंदिर में ही होगा ना, कि स्थापना यहां करोगी, विसर्जन घर में करोगी, तो वही करना पड़ेगा। ये बहुत लंबे विषय हैं, मूल विषय समझ में आया, चलिए बोलो महावीर भगवान की। मूल विषय क्या है, तुम्हें चुप करने के लिए जयकारा लगा, भी क्लास खत्म थोड़ी हुई कि तुम चुप हो जाओ, चुप कहो तो होगी नहीं, जय लगा दो तो तुरंत चुप हो जाते, एक खुशी मिलती कि चलो खत्म क्लास, लेकिन ये झटका है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो मूल विषय अपना ये था कि भाव जिनसे भी ज्यादा महत्व किसका है, स्थापना। इसलिए तुम अपने को ये मत समझो, अरे विदेश क्षेत्र जाए साक्षात तीर्थंकर देखेंगे, अरे पागल हो क्या, भाव स्थापना जिन देखो यही तुम्हारा कल्याण करेंगे, दूसरा कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि वो तीर्थंकर भी स्थापना जिनसे तीर्थंकर बने हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जिन कर्मों का नाश प्रतिमा से होता है वो साक्षात तीर्थंकर से नहीं होता। बड़ी अटपटी बात लग रही होगी, पूरी आस्थाओं को ठेस पहुंच रही होगी कि हम तो तड़प रहे हैं कि तीर्थंकर कब देखें, है ना, महाराज कह रहे कि नहीं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो प्रतिमा है। नमोस्तु आचार्य श्री, हमारे ये प्रश्न है कि 8 साल के बच्चे जब तक नहीं होता उसको अभिषेक नहीं करने देते और उस वो दीक्षा भी नहीं ले सकता और वो आहार भी नहीं देता, और जब तक 8 साल का नहीं होता जब तक उसका अग्नि संस्कार भी नहीं होता, और 8 साल से कम जो रहता है उसका वो भूमि मतलब दफनाया जाता उसको। प्रश्न क्या है, मतलब इसमें क्या सही है, जो कह रहे हैं वो सही है, अब इसमें और क्या सही करवाना है, सही तो है, सही है ना, विषय वो वाला है ही नहीं। नमोस्तु, जो कह रहे हैं वो सही है, प्रश्न क्या है, है ना, बस हो गया, समझ गए वो पंडित जी, तुम ज्यादा मत पूछो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया विषय, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम भाव जिन का अपमान करें भगवान क्षमा करें, ऐसा नहीं हो, भाव जिन का अपमान कैसे कर सकते हैं, नयन तो तरसते ही हैं उनके दर्शन को, लेकिन कहा है कि जो सिद्धांत है, क्योंकि भाव जिन भी ये ध्यान रखना स्थापना जिनके बिना नहीं बन सकते। समझ में आ रहा, अब क्या क्या चीज समझ आई, मूर्ति पूजा आवश्यक है या नहीं, अति आवश्यक, नहीं करोगे तो सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हैं, जा रहे, समझ में आ रहा, और
भाव जिन आपको ना मिले तो भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन स्थापना जिन मिले बिना मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान ऋषभदेव तीसरे काल के अंत में मोक्ष चले गए, फिर उसके हजारों करोड़ों वर्षों के बाद अजितनाथ हुए, तो क्या उसके बीच मोक्ष बंद हो गया था? मोक्ष जा रहे थे ना जीव, भाव जिन तो थे नहीं उनके अंतराल में, लेकिन स्थापना जिन ने अनंत अनंत जीवों को मोक्ष प्रदान कराया, है ना, प्रतिमा ने। क्लियर हुआ विषय? चौथे काल में सदैव तीर्थंकर रहते या अंतराल पड़ता है? लिखा है ना, एक तीर्थंकर के रहते हुए दूसरा पैदा नहीं हो सकता। तो जब तक दूसरा पैदा नहीं हुआ तो टाइम रहा होगा ना, तो उस टाइम में क्या मोक्ष नहीं गए होंगे जीव? तो वो साक्षात जिनसे गए या स्थापना जिनसे गए? स्थापना जिनसे। समझ में आया? तो महत्वपूर्ण कौन है? तीर्थंकर अनादि निधन नहीं है, ऋषभदेव अनादि निधन नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा अनंत काल तक चलेगी। इसलिए पूज्य कौन सी चीज हो गई? इसलिए सूत्र में आचार्य ने पहले कौन सा निक्षेप लिया? नाम, फिर कौन सा लिया? स्थापना, फिर कौन सा लिया? अब द्रव्य में क्या आएगा? इस स्थापना के लिए जो जो सामान चाहिए है ना, सिंहासन, पूजन का सामान, ठौना, जो जो चीजें इन स्थापना जिनकी भक्ति के लिए चाहिए, मंजीरे, झांझ, ये सब द्रव्य मंगल है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? बोल रहे भाई, हुआ कि नहीं? तो महत्वपूर्ण प्रतिमा है या भगवान है? प्रतिमा। इसलिए आप तीर्थंकर की जननी कभी नहीं बन सकती, लेकिन बिंब स्थापना का पुण्य अर्जित कर सकते हो। एक मूर्ति की स्थापना करके आपको वही पुण्य लगता है जो तीर्थंकर की जननी को, बच्चे को जन्म देने में लगता है। इसलिए अपने यहां प्रतिमा की स्थापना को, चावल बराबर भी मूर्ति रख दी तो यदि आपने रखी है तो आपको जिन जननी जनक बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। ध्यान रखिए, माता पिता पंच कल्याणक में बनो या ना बनो, मूर्ति रख के आपको माता पिता का सौभाग्य मिलता है, है ना। इसलिए जैनों में सबसे ज्यादा महत्व काय का है? मूर्तियों की स्थापना का। कितना बड़ा दर्जा मिल रहा है। हम तो माता पिता नहीं बन पाए, नहीं बन, क्यों नहीं बन सकते? एक मूर्ति रख दी, आपने स्थापना जिनको जन्म दे दिया। इस भाव से रखते हो मूर्ति या नहीं? कौन कहता है जिन जननी नहीं है हम? इस भाव जिन जननी नहीं है, लेकिन स्थापना जिन जननी तो बन सकते हैं। कौन कहता है बोली लेके ही बनेंगे? पंच कल्याणक में रोज बनो ना, मूर्ति की स्थापना करो, चावल बराबर भी मूर्ति रख दो। तो लिखा है ना शास्त्रों में, जिस भाव जिनको जन्म देती है वो माँ तीसरे भाव में मोक्ष जाती है, और जो स्थापना जिनको जन्म देती है वो सातवें आठवें भाव में मोक्ष चली जाती है। इतना महत्व है प्रतिमा का। माँ एक गो पकड़े बोल, तुम्हारा समस्या आई है, समझ में कुछ आ नहीं रहा। जो स्थापना भगवान की जननी है वो तीसरी भाव में मोक्ष जा सकती है, जाएंगी? भाव तो, जिनकी स्थापना की नहीं, भाव जिनकी स्थापना, साक्षात जिनेंद्र को जो जन्म देती है वो तीसरे भाव में मोक्ष जाती है नियम से। लेकिन उसी भावों से यदि तुम प्रतिमा स्थापित करते हो तो तुम्हारा भी मोक्ष हो जाता है। उन भावों से करते हो तो नाम बड़ाई के लिए रखते हो, मान महाविश्व रूप करहि नीच गति जगत में,
नाम और मान इसके लिए कर रहे हो तो नहीं होगा मोक्ष। इससे कौन से कर्म का बंध हो जाएगा? निधत्त निकाचित। प्रतिमा रख के अहंकार किया, चामुंडराय ने किया था ना, कि मैंने इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, बस बाहुबली ने खत्म कर दिया। अरे बाहुबली ने अपने भाई का मान भंग कर दिया तो चामुंडराय तू कहां लाइन में लगता है? उसका भी भंग कर दिया, जा तेरे से नहीं नहाएंगे। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। अहंकार नहीं करना, अहंकार किया तो निधत्त निकाचित बन जाएगा। इन्हीं प्रतिमा से छूटेगा, इन्हीं प्रतिमा से, जिस पानी से कीचड़ साफ होता है उसी पानी से कीचड़ बनता भी है। कीचड़ कैसे बनता है और साफ कैसे होता है? इन्हीं भगवान से अनंत संसार का बंध कर सकते हो और इन्हीं भगवान से, इसी मूर्ति से मोक्ष की यात्रा कर सकते हो। महाराज जी, हम लोग एक मूर्ति रखना है। क्या? एक मूर्ति रखवानी है। अब जगह होगी तो देखेंगे, अब समय गया। हर किसी को सौभाग्य थोड़ी मिलता है, समझ में आया? इन दिनदानी से भी बड़ा, बनने से भी बड़ा सौभाग्य प्रतिमा की स्थापना करना, समझ में आया? वेटिंग में है, अब तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगी मूर्तियां, तो सब सौभाग्यशालियों को मिल गई। तो अब जगह नहीं है ना, हो गई सब बुकिंग। हम जिसने दे दिया उसके डंडे खाएंगे क्या? वो नहीं लड़ेगा मेरी मूर्ति का, समझ में आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये उमड़ जी कह रहे थे कि भाई कलश चढ़ाना, ये चढ़ाना, मैं इनका पागल हो क्या? भगवान का आसन तैयार करो, मोक्ष में आसन तैयार हो। वेदी बनाना, भगवान की मूर्तियां रखना, सबसे ज्यादा पुण्य तो इसी में है। जिनालय बनाना, अभी सोशल वर्क में कोई कल्याण होता नहीं है, वो तो व्यवहारिक चीज, उनसे कोई मोक्ष नहीं मिलता। जिनेंद्र भगवान, क्लियर हो गया? कोई मूर्ति बन रही है और हम दान दे रहे हैं तो उसका भी पुण्य मिलता है क्या? क्या मूर्ति बन रही, जैसे मांगी तुंग में मूर्ति बनाई है, हाँ, तो मिलेगा माता जी ने, तो हमने दान दिया था 1,08,000 जब चेहरा बन रहा था मेरे बेटे ने, तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों प्राप्त नहीं होगा? अरे पुण्य मिले या ना मिले, कर्म नाश होगा, पाप का नाश होगा, समझ में आ रहा? हो गया विषय, 5 बज गए। चलो, जावाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो, हे जिन वाणी भारती।